फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया और फाइनल हुआ उसी के साथ अरमानों पे पानी फेर दिया उन लोगों के जो कहते थे कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप फुटबॉल के वर्ल्ड कप की बराबरी कर रहा है, एक दिन जल्द ऐसा आने वाला है कि क्रिकेट फुटबॉल की तरह पॉपुलर हो जाएगा। कम से कम उनको फुटबॉल वर्ल्ड कप में मिली हुई प्राइज मनी को देख कर ये ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल देना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप के विनर रही अर्जेंटीना, उस टीम को मिले हैं, मैं भारतीय रुपये की बात कर रहा हूँ, 348 करोड़ रुपए, राउंड फिगर कर लीजिए 350 करोड़ रुपीस अर्जेंटीना को मिले हैं। दूसरे नंबर पे जो टीम रही वो रही फ्रांस, फ्रांस को मिले हैं 250 करोड़ रुपए, यहाँ भी हम भारतीय रुपए की बात कर रहे हैं, 240 कुछ करोड़ के अराउंड उन्हें मिले हैं, हम उसको राउंड फिगर कर देते हैं 250 करोड़। तीसरे नंबर पर जो टीम रही उसको मिले हैं 220 करोड़ रुपए, चौथे नंबर की टीम को 209 करोड़ रुपए, मतलब चार सेमीफाइनलिस्ट को 200-200 करोड़ से ज्यादा ही मिला है। और सबसे बड़ी बात, फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं खेलता, चाइना नहीं खेलता, जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फिर भी फीफा सरवाइव कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टूर्नामेंट है। और अब हम क्रिकेट की बात करते हैं, हाल में वो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप, प्राइज मनी क्या थे विनर टीम के लिए 13 करोड़ रुपए, और जो रनर अप थे उसकी आधी 6.5 करोड़ रुपए, सेमीफाइनलिस्ट को कुछ करोड़ रुपए मिले, बाकी जो टीम थी उन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको चिल्लड़ मिले कुछ लाख रुपए, जबकि फीफा में पार्टिसिपेट करने वाली टीम को दहाई के आंकड़े में करोड़ रुपए मिलते हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं अब, लेकिन 30-40 करोड़ रुपए उस टीम को भी मिलते हैं जो क्वालिफाई करती है। तो कहाँ फीफा और कहाँ पर ये क्रिकेट। वहीं अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप में से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी निकाल दें तो क्रिकेट को कोई देखेगा ही नहीं, क्रिकेट को पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग नहीं देखेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी ना हो या फिर इंडिया किसी वर्ल्ड कप में ना खेल रहा हो। क्रिकेट की 95% ऑडियंस कहाँ से है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों के बाहर कोई क्रिकेट को पसंद तक नहीं करता। अब अफगानिस्तान में भी फैला है और अफगानिस्तान के लोग भी क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन एक हकीकत है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ खेल इंग्लैंड में कुछ लोग ही पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तेजी के साथ अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तो इस खेल की चैंपियन रही हैं, वेस्ट इंडीज़ में से लगभग विलुप्त होने की कगार पे है, बहुत कम क्रिकेट लवर बचे हैं। तो ये हकीकत है क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल की, कहाँ क्रिकेट कहाँ फुटबॉल। वहीं जो लीग है क्रिकेट की जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें भी विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि फुटबॉल की जो लीग है जो सबसे बड़ी लीग है UEFA चैंपियंस लीग, वहाँ पे 1200 करोड़ रुपए मिलते हैं विजेता टीम को। तो कोई मैच नहीं, कोई कहीं से कहीं तक कंपेरिजन ही नहीं होना चाहिए फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल दुनिया में पॉपुलरिटी बढ़ी हमेशा फुटबॉल की, क्योंकि फीफा ने हमेशा फुटबॉल को बढ़ाने पर जोर दिया, पैसा कमाने पर कभी उनका ध्यान नहीं रहा, बिजनेस करने पर उनका कभी ध्यान नहीं रहा, फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो बिजनेस अपने आप हुआ, जबकि ICC हमेशा ही बिजनेस की तरह से उन्होंने क्रिकेट को देखा, क्रिकेट को एक बिजनेस मॉड्यूल बना के रख दिया है ICC ने, छोटी टीमों को बढ़ने नहीं दिया जाता यहाँ पर, और जो बड़े 3-4 बोर्ड है उनके हमेशा प्रेशर में ICC काम करता है। वर्ल्ड कप पता है क्रिकेट बारिश में नहीं हो सकते, लेकिन बोर्ड के दबाव में ऐसे वक्त पे वर्ल्ड कप रख दिया जाता है जब बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप हो, इंग्लैंड में होने वाला 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, दोनों वर्ल्ड कप ऐसे वक्त पे थे जब वहाँ पर बारिश का सीजन था। अभी यही नहीं, अभी तो 2023 के वर्ल्ड कप का इंतजार कर रही है इंडिया में, वो अक्टूबर नवंबर में है, अक्टूबर में बहुत से मैच साउथ इंडिया में होने हैं और वहाँ काफ़ी बारिश होती है अक्टूबर के महीने में, वो वर्ल्ड कप में भी खलल डलेगा बारिश का और अच्छी तरह से डलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जब ICC इतना झुक जाता है बोर्ड्स के सामने तो भला कैसे क्रिकेट दुनिया में पॉपुलैरिटी पाएगा। और मैं तो ये बात लिख के देता हूँ कि अगर वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी ना हो तो कितने लोग देखे वर्ल्ड कप को, सिर्फ और सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल के अलावा, ये बात हम सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।